ओम शांति। आज सतगुरुवार है, 4 नवंबर 2021। आज दीपावली पर्व की आप सभी भाई बहनों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज विशेष हम महालक्ष्मी जी की और कुबेर जी की पूजा करते हैं। तो विशेष आज के इस महालक्ष्मी के पर्व पर आप सभी बहनों को, भाइयों को हम मुबारक देते हैं। ये तीसरा दिन कहेंगे दीपावली का, कि हम सभी अपने अपने घरों में रोशनाई करते हैं। वैसे तो दो दिन से की हुई है, रोज रोज हम दीपक में गुद डालते हैं और अपनी आंगन में, अपने घरों में भी ऐसे सुंदर दीप सजा करके रखते हैं। आर्टिफिशियल दीप माला जो बनाते हैं उससे भी हमारी जो पारंपरिक हमारे देवों की दिया जो हम जलाते हैं वो बहुत ज़रूरी है। आज इसी कारण जो हमारे गरीब भाई बहने हैं जो दिया बेचते हैं मिट्टी का दिया, तो उनको भी 4 पैसे मिल जाएंगे और उनके भी घरों में दिवाली वो भी मना सकेंगे। तो जितने भी चाइना प्रोडक्ट है उसका भी हम बैन करते हैं, कि इसके कारण भी आज हम देखते हैं। और जो फटाके आतिशबाजी जो होती है उसमें भी जहरीले गैस होते हैं जिससे एयर पोल्यूशन होता है, साउंड पोल्यूशन होता है। और कोरोना काल में तो हमें बहुत इसे अपने आप को बचाना है। तो महालक्ष्मी जी को तो हम याद कर रहे हैं, तो क्या आपको पता है कि आपने भी कभी लक्ष्मी जी का प्यार या लक्ष्मी जी की जैसा ही जीवन जिया हुआ है? क्योंकि आप कहेंगे लक्ष्मी जी कहाँ है और हम कहाँ है। हमारी माताएं बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर कलरफुल साड़ियाँ पहनती हैं और इतनी सस्ती धस्ती है, ऑर्नामेंट्स जितने भी है, गहने जितने भी है वो पहनती है। और उनको देखते ही ऐसे लगता है कि सचमुच ही लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी जी ने जैसा लक्ष्य दिया था कि मुझे सबको बांटना है, धन की लक्ष्मी कहते हैं, तो हमें धन के साथ साथ हमारे घर में सुख शांति भी बांटनी है। हम माताओं को, बहनों को, घर का माहौल, एक तो हम दिवाली के इतने पदार्थ बनाते हैं, चकली है, लड्डू है, फिर चूड़ा भी बनाते हैं, करंजी है, खाओ करंजी और हर सेवा में कहो हाँ जी, घुमाओ स्वदर्शन चक्र और खाओ क्या है? हम जो चकली कहते हैं, तो चकली का जो आकार होता है वो भी चक्र जैसा ही होता है, तो जब वो खाते तो याद आती है। और करंजी खाते हैं तो नाव की याद आती है, नैया जैसे लगाओ प्रभु हमारी पार। तो ये पदार्थ भी जब हम देखते हैं तो इससे भी बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। तो आज के इस दीपावली के गुरुवार के दिन में हम अपनी लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं। तो अभी हमारे पीछे भी बहुत ही सुंदर ये दृश्य है श्री लक्ष्मी श्री नारायण जी की। दुनिया बहुत सुंदर और प्यारी है। हम ये कोई आपको जैसे कहते हैं ना टेम्पटेशन, या कहे कि कोई कल्पना है, ये ऐसे थोड़ी दुनिया होगी या ऐसे थोड़ी दुनिया आएगी, नहीं, 101% हमें ये निश्चय है, हमें ये खात्री है कि एक समय था भारत हमारा स्वर्ग था, भारत देश का पूरे विश्व पर राज था, जहाँ पर श्री लक्ष्मी श्री नारायण जी राज्य करते थे। और उनकी दुनिया में आप देखेंगे एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत, एकता वाली दुनिया थी और बहुत ही कम पॉपुलेशन था। और ये दुनिया जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज इतनी पॉपुलेशन बड़ी हुई है, लाखों करोड़ों के अंदाज में, आप जी के अंदाज में है, लेकिन सतयुग में सिर्फ 9 लाख होंगे देवी देवताएं। और फिर उसके बाद त्रेता युग में जैसे कहते हैं 33 करोड़ देवी देवताएं होंगी त्रेता युग के अंत में। तो धीरे 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 पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। तो आज हम देखते हैं कि श्री लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं तो उनके चेहरे को मैंने एक बार एक होटल में, वैसे तो होटल में नहीं जाते हैं, लेकिन एक भाई हैं हमारे, मोमेडियन भाई हैं, मुस्लिम हैं,
लेकिन उनके होटल में हमने देखा कि श्री लक्ष्मी जी का फोटो लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि जैसे हम देखते हैं मास लक्ष्मी जी को, तो उनकी जो मुस्कुराहट है, उनका हर्षित चेहरा है, ये देखते ही हमारा टेंशन गायब हो जाता है। वैसे हम धन के लिए उसकी पूजा करते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी देवी को जब हम देखते हैं तो कमल आसन, कमल नयनी, कमल बदन, कमल चरण, कमल हस्त, उनकी हर एक ऑर्गन्स को कमल की उपाधि दी हुई है। क्योंकि कमल अर्थात कमल का जो फूल है, लोटस फ्लावर जिसको हम कहते हैं, वो लोटस फ्लावर, उसकी फैमिली बहुत बड़ी होती है और वो उसका जो कहेंगे कि बिल्कुल पानी के अंदर वो तैरता रहता है, लेकिन जरा भी कहाँ पर भी कीचड़ उसकी पंखुड़ियों को नहीं लगता है, अपने आप को बहुत सेफ रखता है। तो इस तरह से हमें भी अपने जीवन में तो रहना है, परिवार में रहना है, परिवार में हर एक की संभाल तो बहुत जरूरी करनी है। एक तो जिम्मेवारी है, ईमानदारी है लक्ष्मी जी के अंदर, और विशेष करके वफादारी है, वफादारी है, सच्चाई है, ये गुण उनके उनकी धन दौलत को बढ़ाते हैं। हम कहते हैं कि लक्ष्मी जी धन देती है, लेकिन लक्ष्मी जी को भी देने वाला कोई होगा ना, नारायण जी है क्या? आप कहेंगे कि लक्ष्मी जी भी डिपेंड रहती है उनके ऊपर? नहीं, उनका पुरुषार्थ पिछले जन्म का इतना बहुत था, इतना अच्छा था, सुंदर था, कि लक्ष्मी और नारायण इन्होंने जो ज्ञान धन बांटा है, अपने जीवन में सुंदर धारणाएं की है, राजयोग के अभ्यास से ये पद पाया हुआ है, जो राजयोग स्वयं भगवान अल्लाह खुदा गॉड परमपिता परमात्मा ने सिखाया था। और राजयोग के आधार से अपने एक तो पूरे शरीर पर राज्य करने की, स्वराज्य अधिकारी बनने की शक्ति आ जाती है, और पूरे विश्व पर राज करने की शक्ति आ जाती है। तो हर साल हम दिवाली मनाते हैं, हर साल हम पाड़वा भी मनाते हैं, या भाई दूज, या दीपावली, वासु बरस, ये सब हम हर साल मनाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे ही बस परंपरा से चलेगा आगे? नहीं, थोड़े ही सालों में हम देखेंगे कि सचमुच हम इसी दुनिया में हैं, क्योंकि भारत हमारा सर्वोत्तम देश और गुरु बनने जा रहा है, विश्व गुरु बनने जा रहा है। और उसमें हम भारतवासी जो रहते हैं, हम बहुत भाग्यशाली है कि इसी भारत भूमि पर परमात्मा आते हैं, और किसी देश में नहीं आते, क्योंकि उन्होंने भगवद गीता में वचन दिया हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय सुदुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा हम बच्चों को बहुत शक्ति देने के लिए आए हुए हैं, हमें गुणों से भरपूर करने के लिए आए हैं। गुणों का देवाला निकला हुआ है, लेकिन अभी गुणों से भरपूर होकर के हम दिवाली मना रहे हैं। शक्तियों का देवाला निकला हुआ था, इसी कारण दुख अशांति हमारे जीवन में थी। तो परमात्मा राजयोग से हमें शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं, और शक्तियों की दिवाली हम सभी मना रहे हैं। तो आइए भाई बहनों, आज के दिन हम ये संकल्प लेते हैं कि जैसे हम अपने लाइफ में धनलक्ष्मी को याद करते हैं, वैसे ही ज्ञान धन को भी हम याद करें। और ज्ञान एक ऐसी चीज है, उस धन को संभालना पड़ता है हमें, उसकी सिक्योरिटी लेनी पड़ती है, बैंक में भी हम जाकर के वो सेफ रहे इसके लिए प्रयत्न करते रहते हैं। लेकिन ज्ञान का धन ऐसी बात है कि हमारे लाइफ में जितनी भी परिस्थितियां प्रॉब्लम्स आते हैं ना, उसमें हमें ज्ञान ही बचाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे, मेरा एक एक वाक्य जो है, एक एक ज्ञान रत्न जो है, वो लाखों लाखों रुपयों का है। उस एक एक वर्षस कहते हैं, लाखों रुपयों का है। जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और परमात्मा की श्रीमत को हम याद करते, नहीं भगवान ही इस वक्त इसके लिए ऐसा बोला हुआ है, तो सचमुच हम लाखों भाई बहनों का ये अनुभव है कि हम उस प्रॉब्लम से आराम से मना निकल जाते हैं, और वो प्रॉब्लम विघ्न विघ्न ही खत्म हो जाता है। तो आइए हम सभी मिलकर के खुशहाली आनंद की ये दिवाली, दिल वाला परमात्मा जो है उसके हम बच्चे दिल वाले हैं, तो सच्चे दिल से हम ये दिवाली मनाएं और सबको दिल से दुआएं देते चलें।
हैप्पी दिवाली, हेल्दी दिवाली, होली दिवाली।